हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंस इन रिलेशनल एल्जेब्रा। हमने ज्वाइंस इन एसक्यूएल काफ़ी अच्छा से और काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो सेम टू सेम वही ज्वाइंस हमें रिलेशनल एल्जेब्रा में भी पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार जो हमारा एसक्यूएल है वो रिलेशनल एल्जेब्रा से ही डिराइव हुआ है। रिलेशनल एल्जेब्रा हमारा प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है और वही एसक्यूएल हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि रिलेशनल एल्जेब्रा में ज्वाइंस कितने होते हैं और कैसे काम करते हैं। हालांकि जो ज्वाइंस होते हैं जो रिलेशनल एल्जेब्रा में होते हैं या फिर एसक्यूएल में होते हैं, दोनों का फंक्शनैलिटी एक ही होता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वाइंस रिलेशनल एल्जेब्रा में क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, जैसे आपको पता है कि जब आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच का इंफॉर्मेशन को फेच करना होता है, तब हम टेबल को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक टेबल से हम दोनों डेटा को फेच नहीं कर सकते, तो हमें टेबल पर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तब हम जाके दोनों टेबल से डेटा को फेच कर पाते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंस हमारे पास बहुत टाइप के हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्रॉस ज्वाइन है, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, फिर थीटा ज्वाइन, फिर इक्वी ज्वाइन, फिर नेचुरल ज्वाइन, फिर सेल्फ ज्वाइन, और हमारे पास फिर आते हैं आउटर ज्वाइन। और उसी आउटर ज्वाइन में हमारे पास तीन टाइप का आउटर ज्वाइन है। एक है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फिर है राइट आउटर ज्वाइन, और फिर है फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे और सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और सबको हम लिख के देखेंगे कि कैसे हम लोग एसक्यूएल में ज्वाइन को हम करते हैं और साथ ही साथ उसी ज्वाइन को हम लोग रिलेशनल एल्जेब्रा में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो देखो, ज्वाइंस इन रिलेशनल एल्जेब्रा, क्रॉस ज्वाइन का क्या मतलब है? क्रॉस ज्वाइन मीन्स क्रॉस का सिंबल। हम लोग रिलेशनल एल्जेब्रा में भी वैसे ही लिखते हैं और साथ ही साथ एसक्यूएल में भी हम लोग क्रॉस ज्वाइन को ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक टेबल है आर, जिसमें चार एट्रीब्यूट है ए बी सी डी। मैं मान लेता हूँ चार एट्रीब्यूट है, लेकिन मैं मान लेता हूँ एम एट्रीब्यूट है। ठीक है, वैसे ही एक टेबल एस है, इसमें एक दो तीन चार एट्रीब्यूट है, मैं मान लेता हूँ इसमें एन एट्रीब्यूट है। ठीक है, मैंने मान लिया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना होगा? जैसे इसमें एम एट्रीब्यूट है और इसमें है एन, तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की मैं बात करूँ तो कितना होगा? इधर चार है, तो टोटल एट्रीब्यूट कितना हो जाएगा? आठ। तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा? एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन हो जाएगा। एट लिखो या एम प्लस एन लिखो, इसके संदर्भ में। ठीक है, वैसे ही रोज कितना होगा? आपको पता है कि जो क्रॉस ज्वाइन होता है उसमें नंबर ऑफ रोज कितना होता है? दोनों का जो नंबर ऑफ दिया रहता है हमारा रोज, दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चार इसमें है और चार इसमें है, तो कितना हो जाएगा? 16 हमारा रोज हो जाएगा। अगर इसमें चार रोज दिया है और इसमें चार रोज दिया है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा रूल है क्रॉस ज्वाइन में या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये देखो, तो एसक्यूएल में हम लोग कैसे लिखते हैं इसका क्वेरी? एसक्यूएल में अगर हमें दो टेबल से सब कुछ सेलेक्ट करना है क्रॉस ज्वाइन के हेल्प से, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर एस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर एस, ऐसे हम लिखेंगे। तो उसी को रिलेशनल एल्जेब्रा में मैं कैसे लिखता हूँ? सिर्फ आर इन टू एस, सिर्फ आर क्रॉस ज्वाइन एस में लिख दूंगा। इसका मतलब हुआ आर क्रॉस ज्वाइन एस। ठीक है, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा। एक और हमारे पास क्वेरी दिया है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर एन एस, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? जहाँ डुप्लीकेसी नहीं हो। तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ प्रोजेक्शन का सिम्बॉल, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? सेलेक्ट। इसका मतलब क्या होता है प्रोजेक्शन? मतलब प्रोजेक्शन मतलब होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट ए, सेलेक्ट ए। कैसे इसको पढ़ेंगे हम? सेलेक्ट ए फ्रॉम कहाँ से? आर इन टू एस, मीन्स आर और एस में क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करो, आर और एस में क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करो, और फिर उसमें से सेलेक्ट करो ए को, और फिर उसमें से सेलेक्ट करो किसको? ई को। तो ऐसे हम लोग इसको रिलेशनल एल्जेब्रा में लिखेंगे। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा थीटा ज्वाइन क्या होता है। थीटा ज्वाइन क्या होता है? इसमें हम डॉट सिंबल का यूज करते हैं और एक कंडीशन लिखते हैं। क्या करते हैं? डॉट सिंबल का यूज करते हैं और इसमें एक कंडीशन लिखते हैं। जैसे एक टेबल हमारे पास आर है, एक टेबल हमारे पास एस है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दिया है। लेट से इसमें चार रोज है, लेट से इसमें सिक्स रोज है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें चार रोज है और इसमें कितना है? सिक्स रोज है। जब चार रोज इसमें है, सिक्स रोज इतने, तो टोटल नंबर ऑफ इसमें रोज कितना हो जाएगा? मैं बात करूंगा, अगर मैं इसमें क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर फोर और इंटू सिक्स कितना हो जाएगा? चौबीस। फोर इंटू सिक्स कितना हो जाएगा? चौबीस। मैं मान लेता हूँ जो आर डॉट बी है और आर डॉट और एच डॉट ई है, मैं मान लेता हूँ इसमें 24 रो है, 10 रो सेटिस्फाई कर रहा है।
10 रोज एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 10 रोज कंडीशन सेटिस्फाइड। जब कंडीशन 10 रोज सेटिस्फाई कर रहा है या फिर कितना भी रोज सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैं मान चलता हूँ यहाँ 10 रोज सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसी के कारण ये थीटा ज्वाइन है, इसी के कारण क्या है थीटा ज्वाइन। तो जैसे देखो एक एसक्यूएल में क्वेरी लिखा गया है, सेलेक्ट करो ए को और डी को फ्रॉम आर एंड एस, मीन्स आर और एस दोनों में से ए और डी को सेलेक्ट करो कब, जहाँ एक कंडीशन दिया है। तो जब यहाँ एक कंडीशन दिया रहता है इसको हम लोग थीटा ज्वाइन में क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे हम रिलेशन अलजेब्रा में, तो मुझे ए और डी को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा सेलेक्ट ए डी, सेलेक्ट ए डी फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम आर इंटू एस, फ्रॉम आर इंटू एस, जहाँ कंडीशन क्या हो, जहाँ कंडीशन आर डॉट बी ग्रेटर देन एस डॉट ई हो, आर डॉट बी ग्रेटर देन क्या हो एस डॉट ई। तो आपको बताएंगे जहाँ सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज करके मुझे क्या लिखना पड़ता है कंडीशन, सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज करके हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें कंडीशन लिखना पड़ता है। मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है प्रोजेक्शन, जो नेम को या फिर किसी भी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है प्रोजेक्शन है, ये है सिलेक्शन, जहाँ कंडीशन हम लिखते हैं, जहाँ क्या लिखते हैं कंडीशन। समझ में आया, समझ में आया। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा इक्वी ज्वाइन के बारे में। इक्वी ज्वाइन कुछ नहीं है, जहाँ कंडीशन में हमारा इक्वल का सिंबल रहता है, जिस कंडीशन में हमारा इक्वल का सिंबल होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ इक्वी ज्वाइन हुआ है। जैसे यहाँ इक्वल का सिंबल है एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ कंडीशन किसका है इक्वल का, तो इसमें इक्वल ज्वाइन परफॉर्म हुआ है, इक्वी ज्वाइन परफॉर्म हुआ है। तो जैसे ये रिलेशनल अलजेब्रा में दिया गया, इसको हम लोग एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे, एसक्यूएल में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या सेलेक्ट करना है ई नेम को और डी नेम को। तो मैं क्या लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मुझे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार जो बाय डिफॉल्ट होता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होता है, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट होता है, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ई नेम डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर, वेयर क्या, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर बराबर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करना है डिस्टिंक्ट ई नेम को डी नेम को, कहाँ से एम्प्लॉय से और डिपार्टमेंट से दोनों से मिला के सेलेक्ट करना है, और यहाँ कंडीशन हमें क्या दिया है वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ हमारा ज्वाइन परफॉर्म हुआ है, क्यों, क्योंकि यार हमारे पास एक इक्वल कंडीशन है जो दोनों में डिपार्टमेंट नंबर है दोनों टेबल में, उसी पर हमारा क्या हुआ है इक्वी ज्वाइन परफॉर्म हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इक्वी ज्वाइन यहाँ क्या कर रहा है, इक्वी ज्वाइन जो हमने कंडीशन दिए हैं इक्वल सिंबल का, यहीं पे हमारा इक्वी ज्वाइन परफॉर्म हो रहा है यहीं पे, ठीक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा नेचुरल ज्वाइन के बारे में। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए हमारे दोनों टेबल में कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, अगर दोनों में कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन है तो ही नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म होगा, अगर एक एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है तो फिर हमारा क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा। ध्यान देना कि दो टेबल दिया है, दो टेबल, अगर दोनों टेबल में कम से कम एक एट्रीब्यूट या फिर एक कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे देखो एक टेबल है एम्प्लॉय और एक टेबल है डिपार्टमेंट, इसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, और इसमें क्या है डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। तो देखो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है और यहाँ भी डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है और यहाँ भी डिपार्टमेंट नंबर है, दोनों में एक कॉलम क्या है सेम है, दोनों में एक कॉलम सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ दिया है एसक्यूएल में सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, मीन्स क्या कि जो एम्प्लॉय है उसमें से सब कुछ सेलेक्ट करो, एम्प्लॉय टेबल में से सब कुछ सेलेक्ट करो और नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर दो, किस पर डिपार्टमेंट पर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, मीन्स एम्प्लॉई, मीन्स एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट में सब कुछ सेलेक्ट करो उन दोनों पर नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करके। तो कैसे लिखूंगा मैं एसक्यूएल में, एसक्यूएल में लिखना काफ़ी आसान है, आपको डायरेक्ट लिखना है एम्प्लॉई टेबल का नेम, एम्प्लॉई टेबल का नेम और नेचुरल ज्वाइन का हमारा सिंबल क्या है डम्बल, ऐसे क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और दोनों को इसको जोड़ दो, तो नेचुरल ज्वाइन ऐसे लिख देंगे,
एम्प्लॉई नेचुरल ज्वाइंट डिपार्टमेंट, बस मैं इतना लिखूंगा हमारा नेचुरल ज्वाइंट परफॉर्म हो जाएगा। और जो भी रो जो भी हमारा कॉलम कॉमन है उस पर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल ज्वाइंट परफॉर्म हो जाएगा। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन नेचुरल ज्वाइन का। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा चीजें कैसे काम कर रही हैं। जैसे नेचुरल ज्वाइन का क्वेश्चन है, एक टेबल है आर, एक टेबल है एस, इसमें दो एट्रीब्यूट है ए बी, इसमें सी डी। और क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट ए और सी फ्रॉम कहाँ से, आर नेचुरल ज्वाइन एस। आर और एस के बीच में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है और ए और सी को सेलेक्ट करना है। इतना समझ में आ रहा है, तो मैं देखूंगा पहले इन दोनों के बीच नेचुरल ज्वाइन हो पाएगा कि नहीं। कैसे मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा दोनों में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ ए है बी है और यहाँ देख पा रहा हूँ सी है डी है, मीन्स यहाँ ए बी है यहाँ सी डी है, दोनों में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। दोनों में क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। और जब कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होता है और क्वेश्चन रहता है नेचुरल ज्वाइन का भी, फिर भी हमें क्रॉस ज्वाइन ही परफॉर्म करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, जब दोनों में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होता है और क्वेश्चन रहता है नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए, फिर भी हम क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि यार नेचुरल ज्वाइन तभी हो सकता है जब कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन हो। तो मैं देख रहा हूँ मुझे ए सी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए और सी का एक बना लूंगा फिगर, और देखूंगा यहाँ क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन मुझे तो हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा क्रॉस ज्वाइन करूंगा। तो ए सी में यहाँ का ए आएगा, मैं क्या करता हूँ पहले पूरा का पूरा बना लेता हूँ, फिर मैं ए सी सेलेक्ट करूंगा, ए बी सी डी। तो इधर का वन टू के साथ इधर का वन टू आएगा, तो वन टू फिर इधर का वन टू, और फिर इधर का वन टू के साथ इधर का टू फोर भी आएगा, तो वन टू टू फोर। क्यों, क्योंकि यार क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, पहले इससे गुना करेगा और फिर इससे गुना करेगा, फिर वैसे ही इससे गुना करेगा और फिर इससे भी इससे गुना करेगा। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, टू थ्री वन टू, अब मैं क्या लिखूंगा, टू थ्री टू फोर, हमारा इतना आ जाएगा। जब मैं क्रॉस ज्वाइन करूंगा तो हमारा इतना टेबल आ जाएगा। और इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ए सी। तो ए सी कहाँ है, ए का वन 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 वन, फिर वन टू, फिर टू वन, फिर टू टू, फिर टू टू। ठीक है, ए सी वन 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 टू, टू वन टू टू, सिर्फ मुझे ए सी सेलेक्ट करना है ए सी, तो मेरा हमारा इतना आंसर हो जाएगा। इतना हमारा क्या होगा आंसर, क्यों, क्योंकि यार मुझे सिर्फ ए और सी को सेलेक्ट करना है। तो अभी आपको पता चला कि अगर नेचुरल ज्वाइन में हमारा कम से कम एक कॉलम कॉमन है तब तो हम कॉमन को पकड़ेंगे और उसमें नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर देंगे। अगर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उस पर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर देंगे और उसका आंसर लिख देंगे। तो देखो, इफ नो टू कॉलम्स आर कॉमन, अगर दो कॉलम्स कॉमन नहीं है देन नेचुरल ज्वाइन वर्क लाइक क्रॉस ज्वाइन। आपको इसको नोट कर लेना है, आपको क्या करना है इसको नोट कर लेना है। और जो नोट्स इसका चाहिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए नोट्स, तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना है। और सारा का सारा जो नोट्स है अभी तक मैंने जितना वीडियो पढ़ाया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं तो कहूँगा यार कि डीबीएमएस हमारा कोर्स है, डीबीएमएस उसको आप शुरू से देखिए। आप शुरू से देखिएगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको डीबीएम से और एसक्यूएल से प्यार हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटर ज्वाइन, जो तीन टाइप का आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके आपकी तरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग।